नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका जेन इनोवेशंस में। दोस्तों, आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं या फिर सॉफ्टवेयर रिलेटेड ट्यूटोरियल्स करते हैं या फिर कोई बिजनेस का काम करते हैं, कई बार ज़रूरत पड़ती है हमारा जो लैपटॉप का स्क्रीन है या फिर जो कंप्यूटर का स्क्रीन है वो रिकॉर्ड हो जाए प्रॉपरली। और दोस्तों, यहाँ पर जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें हमने बताया था कि आपका लैपटॉप भाई काफ़ी पुराना है या फिर कोई बड़े सॉफ्टवेयर अगर सपोर्ट नहीं करता है तो भी किस तरह से जो है आप एक छोटा सॉफ्टवेयर डाल के स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वो वीडियो देखने के बाद में आप में से कई सारे लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया कि सर, आप तो हमें ना सॉफ्टवेयर डालने के लिए कह ही हो मत, मतलब हमारा जो लैपटॉप है या जो डेस्कटॉप पीसी है इतना मतलब लो एंड है, इतना गया गुजरा है कि सॉफ्टवेयर भी उसमें जाता नहीं है और सॉफ्टवेयर कोई भी उसमें सपोर्टेड नहीं है। तो नॉट टू वरी गाइज, यहाँ पे जो है मैंने एक दूसरा रास्ता फाइंड आउट कर लिया है बिना सॉफ्टवेयर डाले। जी हाँ दोस्तों, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है और बिना सॉफ्टवेयर के डायरेक्टली जो है आप आपके लैपटॉप का स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। किस तरह से, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। नीचे जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं शिफ्ट हो जाता हूँ मेरे लैपटॉप के ऊपर। गाइज, यहाँ पे जो है मैं लैपटॉप के ऊपर आ गया हूँ और यहाँ पे जो सर्विस हम यूज़ करेंगे दैट इज़ द रिकॉर्ड कास्ट। और यहाँ पे ये जो सर्विस है दोस्तों, ये 100% फ्री है और सिर्फ एक वेब पेज है, इसको जो है आपको ओपन कर लेना है। मैं और एक बात आपको बता दूँ कि ये जो है कोई भी तरह का स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं किसी भी चीज़ को या ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ये चीज़ मुझे दिखी और मैंने इसको यूज़ किया और इसने मेरे लिए काम किया, दिस वर्क्स, इसलिए जो है ये ट्रिक मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। राइट, तो यहाँ पे जैसे ही आप रिकॉर्ड कास्ट को ओपन कर लेंगे, इस तरह का जो वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक पिंक कलर का सुंदर सा बटन दिखेगा, रिकॉर्ड फ्री नाउ, उसके ऊपर जो है आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। और इसकी खास बात ये है कि डायरेक्टली ना वेबसाइट से चल जाता है ये, कोई भी सॉफ्टवेयर आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तीन ऑप्शन यहाँ पे हमारे सामने आ गए हैं, एक है स्क्रीन प्लस वेबकैम, एक है स्क्रीन ओनली या फिर वेबकैम ओनली। आइए देखते हैं स्क्रीन प्लस वेबकैम का ऑप्शन लेके, यहाँ पे दबाते हैं नेक्स्ट। और यहाँ पे दोस्तों जो है मेरा वेबकैम यहाँ पे ऑन हो गया है। हाय गाइस, हाउ आर यू, ठीक है। तो इस तरह से जो है वेबकैम ऑन हो गया है। आपके पीसी के ऊपर अगर फर्स्ट टाइम आप यूज़ करेंगे या लैपटॉप पे यूज़ करेंगे तो परमिशन मांगेगा ये वेबकैम एक्सेस करने की, तो वो परमिशन उसको दे देना, उसके बाद में जो आपका वेबकैम है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा वेबकैम है इसको मैं यू नो इस तरह से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, प्रॉपरली मैं देख लेता हूँ। तो प्रीव्यू आ गया छोटा सा वेबकैम का, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग के अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो एक है सबसे अच्छा माइक विद सिस्टम, मतलब सिस्टम क्या होता है कि आपके कंप्यूटर का आवाज़, मान लीजिए आप कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, गेम चला रहे हैं, तो अगर आपको सिर्फ वो रिकॉर्ड करना है भाई, आसपास की जो चीज़ें हैं वो रिकॉर्ड ना हो, सिर्फ कंप्यूटर के अंदर का जो आवाज़ हो वो रिकॉर्ड हो, तो उसके लिए आप जा सकते हैं सिस्टम ऑडियो में, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि भाई हम जो बोल रहे हैं सिर्फ वही आए, हमारे सिस्टम का कोई साउंड नहीं चाहिए, तो आप माइक्रोफोन पे डाल सकते हैं। और आप चाहते हैं कि भाई हमें ना सभी तरह की आवाज़ें चाहिए, जो भी है कंप्यूटर में क्या चल रहा है वो भी रिकॉर्ड हो जाए और हमारा भी रिकॉर्ड हो जाए, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं माइक्रोफोन प्लस सिस्टम ऑडियो। आइए अभी हम जाते हैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे। और यहाँ पे जो ये एक शेयर ऑडियो बॉक्स के जो परमिशन है वो मांग रहा है, तो इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, शेयर ऑडियो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और अभी इसने जो है तीन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अलग अलग जो है ऑप्शंस प्रेजेंट किए हैं, एक है एंटायर स्क्रीन, एक है एप्लीकेशन विंडो। तो आप अगर यहाँ पे कोई पर्टिकुलर जो है सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं तो आप एप्लीकेशन विंडो पे जा सकते हैं, या फिर आप ओपेरा टैब, मतलब जो ब्राउज़र है मेरा वो ओपेरा का है, आपका कोई और भी हो सकता है, कई सारे ब्राउज़र जो है ये सपोर्ट कर लेता है, तो आपका गूगल क्रोम हो सकता है, फायरफॉक्स हो सकता है, जो भी आप चलाते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे जो है रिकॉर्ड एंटायर स्क्रीन, मतलब भाई पूरा जो मॉनिटर है वही रिकॉर्ड हो जाए, उसके ऊपर मैं यहाँ पे इसको ओके कर लेता हूँ। तो ये जो है मैंने सिलेक्ट कर लिया और अभी कर दिया शेयर। और दोस्तों, यहाँ पे ये जो सर्विस है, जो रिकॉर्ड कास्ट है, ये आपकी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा है और जो ब्राउज़र है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपको काम करना है, जिस भी सॉफ्टवेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है या फिर कोई गेम खेलना है तो आप यहाँ पे खेल सकते हैं, ये बैकग्राउंड में रिकॉर्ड करते रहेगा। और जैसे ही आपका जो काम है वो हो जाता है, तो मैं जो है यहाँ पे जाता हूँ काम होने के बाद में वापस, तो ये आ गया इसका इंटरफेस। स्टॉप बटन दिया हुआ है, स्टॉप बटन से आप स्टॉप कर लीजिए। और यहाँ पे एक प्रीव्यू आ गया कि भाई ये रिकॉर्ड हुआ है। और नीचे जो है आप डाउनलोड का बटन दबा सकते हैं। अब डाउनलोड इसको जो है मैं डेस्कटॉप के ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है।
तो ये एक फाइल बन गई डेस्कटॉप में और यहाँ पे आ गई। अब ये वाली जो फाइल है आप डायरेक्टली आपके एडिटर में डाल सकते हैं या फिर यूट्यूब वगैरह के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो सैंपल है, इसने क्या क्या रिकॉर्ड किया है, ये मैं वीडियो के एंड में एक्स्ट्रा कंटेंट में डालने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि अभी जो है वीडियो काफ़ी बड़ी बोरिंग हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी कैसी है एक्स्ट्रा कंटेंट सेक्शन में जाके। तो दोस्तों कुछ इस तरह से बिना सॉफ्टवेयर के हमने जो है हमारा लैपटॉप या डेस्कटॉप रिकॉर्ड किया सिर्फ एक सिंपल वेबसाइट की मदद से। वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहाँ पे आप क्लिक करके इस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। टिप मज़ा आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे गाइस। गाइस वेलकम टू एक्स्ट्रा कंटेंट। और हमारा जो डेस्कटॉप है वो रिकॉर्ड होने के बाद में ये अपने आप एक तरह के एडिटर के अंदर आ गया है। दिस इज़ रियली कूल। सी देखिए ये जो एडिटर है इसके अंदर यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, एक तो आपका जो स्क्रीन है वो रिकॉर्ड हुआ है, अगर आपको हटाना है इसमें से तो आप हटा सकते हैं, नया रिकॉर्ड करना है तो नया रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे जो वेबकैम है उसके लिए इसने एक अलग से जो है छोटा सा फाइल बना दिया है या एक टैब बना दिया है आप कह सकते हैं, इस तरह से प्रीव्यू भी देता है। ठीक है सुनिए आप। ठीक है तो ये वेबकैम का भी प्रीव्यू दे रहा है। अगर आप यहाँ पे सोचते हैं कि भाई ये जो वेबकैम है ना इसको हटा देते हैं सिर्फ स्क्रीन रखते हैं, तो यहाँ पे ये ट्रैश कैन है, ट्रैश कैन को क्लिक करके आप आपका वेबकैम हटा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे छोटा सा एडिटर है, फॉर एग्जांपल सोचते हैं कि भाई मेरा जो फेस है उसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, तो आप बड़ा छोटा जो है यहाँ पे कर सकते हैं। आपकी जो स्क्रीन है उसको अगर आपको यहाँ वहाँ कहीं ले जाना है छोटा बड़ा करना है तो वो भी कर सकते हैं। अब इस तरह की जो एडिटिंग है हो जाने के बाद में आपको यहाँ पे ऊपर जाना है, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से जो इसमें छोटा एडिटर है वो भी इनबिल्ट कर दिया गया है, एडिट करके डायरेक्टली जो फाइल है वो आप आपके हाथ में ले सकते हैं। अब ये जो फाइल है ये मैंने सेव कर ली है, फाइल की क्वालिटी देखने के लिए वीडियो को देखते रहिए।